नमस्कार दोस्तों, घर के नुस्खे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। जैसे कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप घर पर ही अपने लिए मॉइस्चराइजर लोशन बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं और आपको पता है कि सर्दियों में हमारी स्किन कितनी डैड हो जाती है और ब्लैक हो जाती है, तो क्यों ना इसके लिए आप घर पर ही लोशन बनाएं। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार लोशन बनाकर दिखाती हूँ जो आपकी स्किन को बहुत शूट करेगा, आपकी स्किन को फेयर करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा। तो मैं आपको नुस्खा बता दी, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। तो चलो मैं आपको लोशन बनाना बताती हूँ। तो हम सबसे पहले एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं। इसमें बैक्टीरिया एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल गुड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि स्किन के इन्फेक्शन और डेड सेल्स को रिमूव करता है, इसलिए मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अब हम इसमें विटामिन ई कैप्सूल जो आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे, आप इसमें एंटीऑक्सिडेंट एजेंट पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को स्पॉटलेस करता है, साथ ही स्किन पोर्स को भी क्लीन करता है, इसलिए यहाँ पे हम विटामिन ई कैप्सूल का यूज कर रहे हैं। आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ये बहुत फायदा करता है हमारी स्किन के लिए, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। आप यहाँ पे 2 कैप्सूल का यूज कीजिए। ये देखो, ये हमारी स्किन को फेयर भी बनाता है, साथ ही साथ डेड सेल्स को भी रिमूव करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे विटामिन ई लिया है। अब यहाँ पे हम ग्लिसरीन यूज करेंगे। ग्लिसरीन में कार्बन कंपाउंड होता है जो कि हमारी स्किन से ऑयल को दूर करता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन लिया है। अब यहाँ पे मैं गुलाब जल ले रही हूँ, ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और स्किन के कलर को फेयर करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे गुलाब जल लिया है। अब हम यहाँ पे कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। कोकोनट ऑयल स्किन को वाइटनिंग करता है, साथ ही साथ हमारे जो डेड सेल्स है उनको रिपेयर करता है, उनको मॉइस्चराइज करता है और स्किन के पोर्स को क्लीन करता है। अब हम इसमें नींबू का रस मिलाएंगे। जैसे कि आपको पता होगा इसमें सिट्रिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन बी और बहुत सारे विटामिन ऐसे पाए जाते हैं, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारी स्किन से रिंकल्स को दूर करती है, साथ ही साथ हमारी स्किन के कलर को निखारता है, इसलिए मैं यहाँ पर लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलो अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते हैं। ये बहुत अच्छा लोशन है, आप इसको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी जो स्किन है वो वाइट हो जाएगी, वाइट होने लगेगी धीरे धीरे, और आपके स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डार्क स्किन का कलर होना, झुर्रियाँ पड़ जाना या फटे रहना हाथों का, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए और आपको देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आपको फायदा मिलेगा। ये देखो ये बनके तैयार हो गया, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसको रात में लगाएं या दिन में लगाएं, जब भी आप यूज करना चाहें आप इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले अपने हाथ पैरों पे और अपने फेस पे कर सकते हैं। ये आप रात भर में आपकी स्किन को टोन देगा, वाइटनिंग देगा, साथ ही साथ रिंकल्स को दूर करेगा। आप देखेंगे कि आपको कुछ दिन के अंदर फर्क नजर आ जाएगा। तो सुबह उठ के गुनगुने पानी से आप अपने फेस और अपने हाथ को क्लीन कर लीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भी इसी को अप्लाई करती हूँ, आप भी कीजिए, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं पसंद आया है तो वीडियो डिसलाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगी। मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ आपके दोस्त, आपके रिलेटिव भी मेरे इस नुस्खे का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।